ऑफ यू, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेल मैनेजमेंट प्रोसेस। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम जो यार्न कॉटन यार्न क्वालिटी हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी जो डिजायर्ड क्वालिटी हमें रिक्वायर्ड है उस क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारी बेल है कॉटन बेल है कॉटन बेल को हम कैसे अरेंज करेंगे, उस हमारे क्वालिटी पैरामीटर को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, इस दोनों पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए हम बेल का मैनेजमेंट क्वालिटी को अलग अलग हमें जो बेल हमारे गोडाउन में रिसीव है उस बेल को हम किस तरीके से प्रॉपर अरेंज करेंगे, किन पैरामीटर को हम चेक करेंगे और किस तरीके से अरेंज करेंगे। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम इस बेल मैनेजमेंट के प्रोसेस को हम कंप्लीटली जो है जानेंगे। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं बेल मैनेजमेंट के बारे में। व्हाट इज द बेल मैनेजमेंट इन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में बेल मैनेजमेंट क्या है? तो हम जो कॉटन जो प्रोड्यूस करते हैं जो जीनिंग के बाद जो कॉटन बेल हमारी पैक होती है और उसको हम स्पिनिंग मिल जो है रिसीव करती है और रिसीव करके उसको हमें जो डिजायर्ड यार्न हमें प्रोड्यूस करना है तो हम उसको अकॉर्डिंग टू यार्न काउंट हम जो है बेल के फाइन जो बेल में हमारा मेटल पैक है फाइबर फाइननेस है लेंथ है उन पैरामीटर को हम ध्यान में देते हुए हम फाइबर का मेटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। हम डिफरेंट इन्वायरमेंट से डिफरेंट बेल को रिसीव करते हैं और बेल उन मेटल को मिक्स करके हमें जो डिजायर्ड यार्न प्रोड्यूस करना है उसको हम यार्न को प्रोड्यूस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम बेल मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज द बेल मैनेजमेंट इन टेक्सटाइल। बेल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग मिक्सिंग शॉर्टिंग बेल अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर फॉर प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ यार्न एट मिनिमम रेंज ऑफ कॉस्ट। जो हम जो यार्न हमें प्रोड्यूस करना है जो डिजायर्ड यार्न हमें प्रोड्यूस करना है मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करने के लिए हम मटेरियल की जो कॉटन बेल हम रिसीव किए हैं उस कॉटन मटेरियल की हम टेस्टिंग करते हैं और उस टेस्टिंग से हम डिफरेंट फाइबर के डिफरेंट पैरामीटर की हम टेस्टिंग करते हैं और अकॉर्डिंग टू पैरामीटर हम मेटल की मिक्सिंग करते हैं। तो हम बेल को उस तरीके से अकॉर्डिंग टू पैरामीटर हम बेल को अरेंज अलग अलग सेगमेंट में हम बेल को अरेंज कर लेते हैं और बेल को हम फिर अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड क्वालिटी हम मिक्स करते हैं। तो हम मेटल की सबसे पहले बेल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग, बेल मैनेजमेंट में हम मेटल की टेस्टिंग करते हैं फिर टेस्टिंग के बाद अकॉर्डिंग टू काउंट हम मेटल को मिक्स करते हैं। मेटल की हम दो लाट या तीन लाट को लेकर के बेल को जो अलग अलग लाट हमारी बेल की लाट है उनको हम मिक्स करके जो डिजायर्ड काउंट हमें प्रोड्यूस करना हो हम काउंट प्रोड्यूस करते हैं। तो टेस्टिंग है मेटल की टेस्टिंग मिक्सिंग शॉर्टिंग बेल अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बेल की शॉर्टिंग कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉ मेटेरियल कॉटन मेटेरियल और मिक्सिंग करते हैं हम मेटल की जो है बेल की जो है प्रॉपर उसको हम ले आउट करते हैं और उसकी हम मिक्सिंग करते हैं टू ऑब्टेन द डिजायर्ड काउंट क्वालिटी यानी जो हमें काउंट जो हमें और जो क्वालिटी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग टू हम मेटल को मिक्स करते हैं मिक्सिंग करते हैं सिलेक्शन करते हैं बेल का। और इस बेल मैनेजमेंट में कॉस्ट को हम कंट्रोल करते हैं यानी जो इस बेल मैनेजमेंट से हम डिजायर्ड क्वालिटी ऑब्टेन करते हैं डिजायर्ड क्वालिटी हम बनाते हैं और उस क्वालिटी की कॉस्ट जो है मिनिमम हो इसका हम बेल मैनेजमेंट में जो है ध्यान रखते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बेल मैनेजमेंट। ये हमारी जो बेल है इन बेल को हम अलग अलग अकॉर्डिंग टू क्वालिटी हम इनकी जो है लॉट जो है प्रिपेयर कर लेते हैं इनको हम अलग अलग सेगमेंट में रखते हैं और मिक्सिंग में क्या रेशियो किस लॉट का किस सेगमेंट का हमें कितना रेशियो रखना है उसको हम रेशियो को रख करके और डिजायर्ड क्वालिटी को हम ऑब्टेन करते हैं प्राप्त करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ बेल मैनेजमेंट द की पर्पज ऑफ बेल मैनेजमेंट है प्रेजेंटेड इन द बिलो। इट आल्सो यूज टू मीट द फंक्शन एंड एंड यूज रिक्वायरमेंट्स। कह रहे कि ये हमारा जो जो पर्पज है जो ऑब्जेक्ट है जो बेल मैनेजमेंट का जो की पर्पज है इट आल्सो यूज टू मीट द फंक्शन एंड एंड यूज रिक्वायरमेंट। जो हमें प्रोडक्ट चाहिए जो हमें एंड यूज एंड प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट के अनुसार हम बेल की जो है मिक्सिंग करते हैं बेल को हम अरेंज करते हैं और मिक्सिंग करते हैं। इट हैज डन टू कंपनसेट
फॉर द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ रॉ मेटेरियल। और इस बेल मैनेजमेंट से, इस बेल को प्रॉपर मैनेज करके और मिक्सिंग से हम जो वेरिएशन है, जो मटेरियल में हमारा वेरिएशन है, और वो वेरिएशन हमारा यार्न में शो होगा, यार्न के बाद फैब्रिक में शो होगा, तो उस वेरिएशन को हम कंट्रोल करते हैं और क्वालिटी कंसिस्टेंसी को हम क्वालिटी को हम एक कंसिस्टेंट क्वालिटी जो हम ऑब्टेन करते हैं, क्वालिटी कंसिस्टेंसी हमारी इंप्रूव होती है इस बेल मैनेजमेंट प्रोसेस से। यूज टू कंट्रोल आर रिड्यूस द फैब्रिक बेयर, यानी फैब्रिक में जो एक टाइम टू टाइम वेरिएशन, एक प्रॉपर एक इंटरवल में जो वेरिएशन है, जो आ सकता है, उस वेरिएशन को हम इस मिक्सिंग से, इस बेल मैनेजमेंट से हम जो है कंट्रोल करते हैं। इट हैज डन टू प्रोवाइड द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट। और इस बेल मैनेजमेंट सिस्टम से हम जो है जो डिजायर्ड जो एंड प्रोडक्ट है उसको हम जो है ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। इट डन टू रिड्यूस रॉ मेटेरियल कास्ट, और जो रॉ मेटेरियल जो हम किसी भी यार्न को काउंट को प्रोड्यूस करने में रॉ मेटेरियल इस्तेमाल करते हैं, उस रॉ मेटेरियल की कास्ट को एक बेल मैनेजमेंट के माध्यम से हम कास्ट को रिड्यूस करते हैं, यार्न की कास्ट को रिड्यूस करते हैं। इट हैज डन टू अचीव यूनिफॉर्म यार्न क्वालिटी, और इस बेल मैनेजमेंट प्रोसेस से, बेल मैनेजमेंट के प्रॉपर मिक्सिंग से जो है यार्न की एक यूनिफॉर्म क्वालिटी हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी क्वालिटी कंसिस्टेंसी हम मेंटेन करते हैं। टू अचीव रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ यार्न, और जो हमें यार्न रिक्वायर्ड है उस क्वालिटी का हमारे पास यार्न फाइबर रॉ मेटेरियल नहीं है, तो हम डिफरेंट वैरायटी को मिक्स करके, डिफरेंट वैरायटी बेल को मैनेज करके, और हम जो डिजायर्ड यार्न क्वालिटी है उसको हम आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। टू अचीव रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ यार्न, यानी इस बेल मैनेजमेंट प्रोसेस से हम रिक्वायर्ड क्वालिटी हम जो है ऑब्टेन करते हैं। यूज टू डिक्रीज सेट वेरिएशन ऑफ द फिनिश फैब्रिक, और इस बेल मैनेजमेंट प्रोसेस से हम जो वेरिएशन होने वाला है, जो वेरिएशन है फैब्रिक में, उस फैब्रिक वेरिएशन को हम काफी मिनिमाइज कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये बेल मैनेजमेंट का जो है मेन ऑब्जेक्ट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द बेल मैनेजमेंट इन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में बेल मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है इसको हम डिस्कस करते हैं। फैब्रिक बेयर इफेक्ट इज प्रोड्यूस इफ बेल मैनेजमेंट इज मिस्ड आउट, अगर आप बेल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करते हैं तो फैब्रिक बेयर इफेक्ट आपको, यानी फैब्रिक में शेड वेरिएशन, एक स्लॉट में वेरिएशन आपको जो है मिल सकता है। सेट वेरिएशन इज अकर्ड इन वीविंग इफ बेल मैनेजमेंट इज एब्सेंट, और अगर आप बेल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किए हैं, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं किए हैं, प्रॉपर बेल मैनेजमेंट दो या डिफरेंट कई लॉट का जो हम मिक्सिंग किए हैं उसको प्रॉपर तरीके से आप बेल को मिक्स नहीं, एक प्रॉपर सिक्वेंस में मिक्स नहीं, एक प्रॉपर रेशियो में मेंटेन नहीं किए हैं, तो इस तरीके से आपका सेट वेरिएशन होने के चांसेस हो सकते हैं। कलर वेरिएशन हैज डन इन निटिंग यार्न इफ बेल मैनेजमेंट इज नॉट यूज्ड, कलर वेरिएशन जो निटेड यार्न जो हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उस यार्न में कलर वेरिएशन जो है पॉसिबल हो सकता है अगर आपने बेल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया है। प्रोड्यूस ऑफ बेल, प्रोसीजर ऑफ बेल मैनेजमेंट, बेल मैनेजमेंट के में हम क्या प्रोसीजर जो है अपनाते हैं। बेल मैनेजमेंट प्रोसेस हैज डन बाय फॉलोइंग बिलो स्टेप्स। रॉ कॉटन, हम रॉ कॉटन जो है देखते हैं कि हमारे पास कॉटन कौन सी अवेलेबल है, कौन कौन सी वैरायटी है, उसको हम रॉ कॉटन को हम देखते हैं, इस कौन कौन से हमारी बेल प्रेजेंट है। मॉइस्चर परसेंटेज टेस्टिंग ऑफ बेल, मॉइस्चर परसेंटेज की हमारी जो बेल है उस बेल में मॉइस्चर का रेशियो, यानी जो अलग अलग हमारी बेल की लाट है उसमें मॉइस्चर का रेशियो जो है कितना है, अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर हम जो मिक्सिंग करते हैं, अगर मॉइस्चर का ध्यान नहीं रखेंगे वेट में वेरिएशन हो सकता है, यानी जो रेशियो है रेशियो हमारा वेरी कर सकता है। कलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द ईच बेल, जब हम जो सैंपल प्रिपेयर करते हैं तो डिफरेंट अलग अलग बेल से जो है सैंपल हम कलेक्ट करते हैं। टेस्टिंग ऑफ सैंपल, सैंपल की हम टेस्टिंग करते हैं। बेल क्लासिफिकेशन, हम बेल अकॉर्डिंग टू मेटेरियल हम बेल को क्लासिफाई करते हैं, लॉट वाइज हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेल का, कि हमारे बेल जो है अलग अलग जो क्वालिटी आ रही है उसको हम सेगमेंट के रूप में बेल सेग्रीगेट करके उसको हम क्लासिफाई करते हैं।
बेल ले डाउन, जब हम मिक्सिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मैनेज बेल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू रेशियो हम बेल को प्रॉपर जो है अरेंज करते हैं और ये रेशियो हम स्टार्टिंग टू एंड तक हम जो है फॉलो करते हैं बेल मैनेजमेंट सिस्टम में। बेल ले डाउन एंड मिक्सिंग, एंड मिक्सिंग का प्रोसीजर जो है हम कंप्लीटली जो है फॉलो करते हैं, हमारा जो बेल मैनेजमेंट का जो है प्रोसीजर है। सम की प्रॉपर्टीज आ बेल हैज टू फॉलो बिफोर बेल मैनेजमेंट दी जाए, कह रहे कि हम कुछ जो है प्रॉपर्टीज जो फाइबर की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं जिनको बेल मैनेजमेंट से पहले हमें जो है फॉलो करना चाहिए, उनकी उसकी जो हमें कंट्रोलिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। स्ट्रेंथ यानी अगर टू टाइप्स या डिफरेंट टाइप के हमारे पास लॉट है तो उसकी हम फाइबर की स्ट्रेंथ को देखें, स्ट्रेंथ को हम एक सिमिलर स्ट्रेंथ हमें जो है मिक्स करनी चाहिए, तो हम फाइबर की स्ट्रेंथ को देखेंगे और सिमिलर स्ट्रेंथ को हम मिक्सिंग करेंगे। ट्रेस कंटेंट मटेरियल में बेल में जो है ट्रेस कंटेंट का लेवल कितना है और अकॉर्डिंग टू ट्रेस कंटेंट जो सिमिलर यानी हम जब लॉट को मिक्स करते हैं तो डिफरेंट जो वेरिएशन की रेंज है वो ज्यादा ट्रेस में लॉट में नहीं होनी चाहिए, यानी ट्रेस कंटेंट का लेवल दोनों लॉट में या दो से अधिक मटेरियल मिक्स करते हैं तो सभी लॉट में जो है सिमिलर होना चाहिए। फाइननेस जो फाइबर फाइननेस है वो हम जब बेल मैनेज करते हैं तो डिफरेंट लॉट को हम मिक्स करते हैं वो हमारी जो है बेल में जो फाइननेस का लेवल है अलग अलग लॉट में वो सिमिलर होना चाहिए, उसमें वेरिएशन का रेंज जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेच्योरिटी जो हम बेल मिक्स करने जा रहे हैं जो फाइबर कॉटन फाइबर हमारा है मेच्योरिटी के लेवल में भी बहुत मेजर वेरिएशन नहीं होने चाहिए। लेंथ लेंथ में हम जो फाइबर की लेंथ देखते हैं, अलग अलग लॉट के मटेरियल हैं अलग अलग उस मटेरियल की हम जो है टेस्टिंग करते हैं और लेंथ को हम देखते हैं कि फाइबर की लेंथ में मेजर वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ब्राइटनेस आर व्हाइटनेस एंड येलोनेस, ब्राइटनेस आर व्हाइटनेस हमारा जो फाइबर जो रॉ मेटेरियल है कॉटन फाइबर है उसका कलर को हम जो है कलर को देखते हैं, सिमिलर कलर को हम जनरली जो है मिक्सिंग में प्रिफर करते हैं, यानी मिक्सिंग जब हम कर रहे हो बेल मैनेजमेंट कर रहे हो तो हम बेल को इस तरीके से अरेंज करें कि इस और उसको मिक्स करें ले डाउन करें कि कलर में मेजर वेरिएशन ना हो। यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी को हम मेंटेन करते हैं, यानी ये जो पैरामीटर है कॉटन फाइबर के इस पैरामीटर को हम ध्यान में रख करके बेल मैनेजमेंट हम करते हैं और फाइबर की मिक्सिंग करते हैं। अगर इन बेल प्रॉपर तरीके से हम अगर बेल मैनेजमेंट करते हैं तो जो इस बेल मैनेजमेंट से जो ब्लोरूम से और डिफरेंट प्रिपरेटरी सेक्शन से मेटेरियल पास होकर रिंग फ्रेम पे जो यार्न प्रोड्यूस होता है वो यार्न एक कंसिस्टेंट यार्न की क्वालिटी में जो है कंसिस्टेंसी होती है और उसमें स्ट्रेंथ में इवनेस में कलर वेरिएशन ये सारी जो जो पैरामीटर है यार्न क्वालिटी के वो कंसिस्टेंसी होती है और जो एंड प्रोडक्ट हमारा जो फैब्रिक हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो एंड प्रोडक्ट में हमारी जो है क्वालिटी कंसिस्टेंसी होती है। एक बहुत ही बेल मैनेजमेंट मिक्सिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे जो है पैरामीटर है इस कॉटन यार्न में, तो इस पैरामीटर को अगर हम मिस करते हैं यानी प्रॉपर बेल मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो आगे प्रोड्यूस होने वाला जो एंड प्रोडक्ट हमारा यार्न है फैब्रिक है उसमें लॉट ऑफ वेरिएशन मिलेगा जो हमारी जो है पुअर क्वालिटी जो है इंडिकेट होगी। इस तरीके से मैं समझता हूं कि बेल मैनेजमेंट को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इसके इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे, इसके प्रोसीजर को समझ गए होंगे, किन किन पैरामीटर का किन किन पैरामीटर को हमें बेल मैनेजमेंट में ध्यान देना है उन पैरामीटर को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।